हेलो नमस्कार बच्चों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम अपना मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। आज हम इस परसेंटेज चैप्टर को क्या करेंगे, एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। परसेंटेज चैप्टर में मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता रखी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सारे टाइप मैंने क्लियर कराए। आज अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, आज की अपनी क्लास में कम्प्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें अपना एक टाइप बचता है, कौन सा, चुनाव संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच में चुनाव लड़ा जाता है, एक व्यक्ति को इतने वोट मिलते हैं, कुछ वोट अवैध हो जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज की क्लास में उन सभी क्वेश्चनों को भी देखने वाले हैं। तो आज से हमारा परसेंटेज टॉपिक क्या हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तो बच्चों अपना क्या चल रहा था, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत चल रहा था। तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, आज पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो मैंने बताया था कि इस परसेंटेज में क्या लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, चुनाव संबंधित। जब दो लोग आपस में चुनाव इलेक्शन होता है, उनके बीच में कोई व्यक्ति हारता है, कोई जीतता है, इसमें कभी परसेंटेज से हारेगा, कभी वोटों से हारेगा। इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जीतने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट मिले, या जीतने वाले व्यक्ति को कितने परसेंटेज वोट मिले, या ओवरऑल पूछा जाएगा कि बताइए उस गांव में या उस शहर में उस जिले में वोटिंग कितने हुई, यानी कि कुल मत कितने थे, कुल वोट कितने थे। और आपसे क्या कहा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि वोटिंग जो हुई थी उसमें कुछ ऐसा होता है जब काउंटिंग की जाती है तो काउंटिंग करते समय कुछ वैध हमारे क्या होते हैं, अनवैलिड होते हैं, यानी कि अवैध होते हैं, तो कुछ वोटों को अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो पूछा जाएगा कि कुल वैध मतों की संख्या क्या है, यानी कि जो वैलिड होंगे वैलिड की संख्या आपको बतानी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, तो हम इसमें जितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वो सारे एक एक करके क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे इस परसेंटेज में। आज हम सीखने वाले हैं चुनाव संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन संबंधित, चुनाव संबंधी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चुनाव संबंधित प्रश्न आज की क्लास में देखने वाले हैं, जो इलेक्शन से क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, आज एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं हम। इसमें आज का अपना पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, पहला क्वेश्चन अपना है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। आज का पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ठीक है। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर एक उम्मीदवार क्या करता है, 30% मत लेकर, यानी कि 30% वोट लेकर 16,000 मतों से हार जाता है, 16,000 मतों से हार जाता है। मत का मतलब यहाँ पर होता है वोटों से, हार जाता है, यानी कि उसे 30% वोट मिलते हैं लेकिन वो इलेक्शन हार जाता है, कितने वोटों से, 16,000 वोटों से हार जाता है। तो आपको बताना है कुल कितने मत पड़े। तो जैसा कि आप जानते हैं जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद में इस वोटों की काउंटिंग की जाती है, काउंटिंग करने के बाद में बताया जाता है कौन सा कैंडिडेट जीता और कितने वोटों से जीता। तो उनकी जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग किस प्रकार से होती है, किसी को जीत घोषित किया जाता है तो परसेंटेज के आधार पर भी किया जाता है, सीटों के आधार पर किया जाता है, वोटों के आधार पर किया जाता है। तो किस प्रकार से कोई कैंडिडेट जिसमें विजयी होता है और कौन कैंडिडेट हारता है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ, लिखा है एक चुनाव में एक इलेक्शन हुआ, इसमें दो उम्मीदवार थे, यानी कि दो कैंडिडेट केवल खड़े थे।
इसमें से हुआ क्या, एक उम्मीदवार को 30% वोट मिल गए, यानी कि टोटल 100% वोटिंग होती है, 100 में से 30% इसे वोट मिल जाते हैं और वो 16,000 वोटों से हार जाता है। अब हारने का, क्योंकि हमारा टोटल 100% होता है, जब 100% में दो लोग खड़े हैं, एक को 30% मिले, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा कैंडिडेट होगा उससे 70% वोट मिले होंगे, और जिससे सबसे ज़्यादा परसेंट वोट मिलेंगे वही व्यक्ति तो जीतेगा। इसका मतलब इसे 30% वोट मिले, ये व्यक्ति जरूर हारा होगा। और कितने वोटों से हार गया, तो ये 16,000 वोटों से हार गया। आपसे पूछा गया है कि उस इलेक्शन में, उस चुनाव में कुल वोट कितने पड़े थे, कुल वोट कितने पड़े थे, तो वोटों की काउंटिंग कैसे की जाती है वो चीज़ हम सीखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कितने वोटों से हारा या जीता, यानी कि परसेंटेज को हमेशा हम क्या करते हैं, उसी के सम्मुख करते हैं, उसी के बराबर करते हैं। जीत वाला परसेंटेज होगा तो जीत वाले वोटों के बराबर करेंगे, जो व्यक्ति हार रहा होगा तो उसका जो परसेंटेज होगा उसके बराबर करेंगे। ये चीज़ आपको समझ आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या बोला गया था कि 30% क्या हो गए, 30% मिलने के बाद भी वो फेल हो जाता है, यानी कि हमें पता है कि टोटल वोटिंग कितनी होती है, तो आप बोलेंगे हमेशा 100% वोटिंग होती है। 100% का चुनाव किया जाता है, 100 में से एक व्यक्ति को कितने मिले, तो आप कहेंगे एक व्यक्ति को 30% वोट मिले, कितने मिले 30%। तो दूसरे व्यक्ति को कितने परसेंट मिले होंगे, तो दूसरे व्यक्ति को मिले होंगे 70%, तभी तो दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए, 30 ये और 70 ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100%। और ये व्यक्ति क्या होता है, हार जाता है, और ये कितने वोटों से हारता है, तो आप कहेंगे 16,000 वोटों से हारता है। अब ये हारेगा तो ये दूसरा व्यक्ति ये जीतेगा, और ये जीतेगा यानी कि ये 16,000 से हार रहा है, इसका मतलब क्या, जो दूसरा व्यक्ति है वो 16,000 वोटों से जीत रहा होगा। यदि पहला व्यक्ति 16,000 वोटों से हार रहा है, इसका मतलब क्या, जो व्यक्ति जीता होगा वो 16,000 वोटों से जीता होगा, और परसेंटेज में कितने से जीत रहा है, तो आप कहेंगे इसे 30% मिले, इसे 70, यानी कि 40% वोटों से ये जीत गया, 40% वोटों से जीत गया। और ये 40% आप किसके बराबर करेंगे, तो इसे करने वाले 16,000 के बराबर क्यों करेंगे, क्योंकि परसेंटेज में 40% से जीत रहा है, और वोटों में कितने से जीत रहा है, तो आप कहेंगे 16,000 वोटों से जीत रहा है, यानी कि इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि कुल कितने वोट पड़े, यानी कि कितने वोट थे, 100% थे, आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही, आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही, 40% बराबर 16,000 है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो पहले जीरो से आप जीरो काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4%, और इस 4 को यदि आपको 100 बनाना है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का, बताइए 25 चौको 100 हो जाएगा, जब इधर 25 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का, जब 25 का मल्टीप्लाई करेंगे ये दो जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, और 25 का 6 करेंगे तो 25 छक्का क्या होता है, 150 होता है, 150 के लिए जीरो कह रही है हमारे पास क्या, 15, और 25 एकम 25, 25 15 40, 25 15 क्या होगा 40, यानी कि टोटल उस चुनाव में 40,000 वोट पड़े थे, तो टोटल वोट कितने पड़े थे 40,000। आप इसे ऐसे कर सकते हैं, यदि आपको ऐसे नहीं समझ आया तो आप ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या 40% किसके बराबर था, तो आप कहेंगे 16,000 के। यहाँ से सबसे पहले आप 1% की वैल्यू निकालिए, 1% की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1% की वैल्यू निकालने के लिए ये जो वैल्यू होती है बटे में चली जाती है, तो क्या लिखेंगे 16,000 बटे क्या लिख देंगे 40, जीरो से जीरो काटेंगे, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 400 बार कटेगा, 1% बराबर 400 के, आपको निकालना है 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 400 × 100, तो बताइए क्या आ जाएगा, फिर से हमारे पास वही आ जाएगा 40,000। तो 40,000 क्या होगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उस इलेक्शन में टोटल कुल मिलाकर 40,000 वोट पड़े थे, जिसमें से एक व्यक्ति को 30%, दूसरे व्यक्ति को 70% मिले। यदि आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि बताइए जो व्यक्ति हारा उसे कितने वोट मिले, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो व्यक्ति हारा उसे 30% वोट मिले थे, हम ये भी बता सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितने वोट मिले, जो व्यक्ति जीत गया उसे कितने वोट मिले ये भी बता सकते हैं।
आपका आंसर तो आ गया 40,000। यदि आपसे ये पूछा जाए, इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि जो व्यक्ति जीता है इससे टोटल वोट कितने मिले, तो आप कहेंगे कि टोटल वोट का 70% इसे मिला होगा। टोटल वोट हमारे पास क्या 40,000 है, 40,000 है, 40,000 का 70% निकाल दीजिए, तो 70 गुणा करेंगे और नीचे से हम क्या करेंगे, 2 जीरो काटेंगे, तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि जो व्यक्ति जीता उससे कुल वोट कितने मिले होंगे, उससे मिले होंगे 28,000। 40,000 में से जो व्यक्ति जीत गया उसे 28,000 वोट मिले होंगे। बात करेंगे जो व्यक्ति हार गया उसे कितने मिले होंगे, तो आप 40,000 में से 28,000 घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप कुल का 30% निकाल दीजिए तो भी आ जाएगा अपना। तो लिखेंगे 40,000 का 30% निकालेंगे और बटे 100 करेंगे, ये 2 जीरो काटेंगे, 3 चौक 12, तो क्या आ जाएगा, 12,000। बताइए क्या 12,000 और 28,000 जोड़ेंगे 40,000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने थे 40,000, एक व्यक्ति को 12,000, दूसरे व्यक्ति को 28,000, जब सबको जोड़ेंगे तो 40,000, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। आप इसमें टोटल वोट निकाल सकते हैं, जो व्यक्ति जीता उसे कितने मिले, जो व्यक्ति हारा उसे कितने मिले, ये सारी चीज़ें आप एक ही क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि आपको वोट कैसे निकालते हैं। चलिए अब देखेंगे इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है अपना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इसके बाद में इसमें कुल 7500 मत पड़े, इसमें से कुल 7500 यानी कि 7500 मत पड़े यानी कि 7500 वोट पड़ जाते इसमें, ठीक है। और इसके बाद बोला गया है इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, इन मतों में से 20% मतों को, 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी कि 20% वोट तो क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। अच्छा, इसके बाद में यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले, उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले 55% क्या होते हैं, मत मिले, ठीक है, यानी कि 55% से क्या होते हैं, वोट मिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कुल वैध मत मिले। तो ये आज का अपना दूसरा क्वेश्चन है। चुनाव संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एक भी डाउट नहीं रहने वाले, वो सारे डाउट आपके एक एक करके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन में, इन प्रकार के क्वेश्चनों में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, एक एक करके बहुत ही बारीकी से और बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे एक एक चीज़, इसमें हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा वही क्वेश्चन है, इसमें से एक चीज़ और जोड़ दी गई, उसमें क्या था कि टोटल हमें मत निकालने थे, टोटल वोट निकालने थे। इसमें क्या बोला गया कि टोटल वोट दे रखे हैं, इस बार टोटल वोट दे रखे हैं,
एक उम्मीदवार से दूसरा उम्मीदवार को पूछा गया कि बताइए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। पहले तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब टोटल मत दिए जाएं तो आप पहले की वैल्यू बता सकते हैं, दूसरे की वैल्यू बता सकते हैं। भाई दो लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, मैंने कहा कि टोटल 100 वोट पड़ गए तो आप उनमें से एक का परसेंटेज दे रखा होगा, तो आप ये बता सकते हैं ना कि हारने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने मिले। अब क्वेश्चन को करेंगे कैसे वो चीज समझेंगे। तो देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें से कुल 7500 वोट पड़ते हैं, तो हमारे पास टोटल अगर हम वोट की बात करें, टोटल वोट कितने पड़े, तो आप कहेंगे टोटल वोट पड़े 7500, कितने 7500 पड़ते हैं। इसके बाद में एक बात ये बोलेगी, ये तुम्हारे टोटल वोट हो गए। फिर बोला गया कि इन मतों में से 20% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। ये चीज समझनी है, अवैध का मतलब होता है वो मान्य नहीं होते, इनवैलिड होते हैं। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, वोट डालने जाते हैं, उनका वोट खराब हो जाता है, उस खराब वोट को काउंट नहीं किया जाता है। जब काउंटिंग की जाती, जो अवैध होते हैं उनको एक साइड रख दिया जाता है। तो अवैध का मतलब होता है उस चीज को हटा ही देना, वो काउंटिंग में नहीं आते हैं। तो 20% अवैध घोषित हो गए, तो टोटल वोट थे कितने 7500। 7500 की वोटिंग करनी थी, और जब सब लोग वोटिंग यानी कि काउंटिंग करने के लिए बैठे, उन्हें पता चला इसमें 20% तो खराब है, 20% की वैल्यू तो है नहीं। अब बताइए, वोटिंग हमेशा 100% होती है। इसे दो तरीके से आप कर सकते हैं, इसका 20% निकालेंगे, जो आएगा 7500 में घटा देंगे तो हमारे पास वैलिड मत आ जाते। लेकिन हम दूसरे तरीके से आपको करके दिखाएंगे, ताकि आप डायरेक्ट चीजों को सॉल्व करना सीखिए। आप ही बताइए, 100% वोटिंग होती है, 100 में से जब 20% वोट खराब हो गए तो कितने परसेंट अच्छे होंगे, वैलिड कितने परसेंट होंगे। तो आप कहेंगे 100 में से 20 हमारे खराब हो गए, तो आप कहेंगे 80% वैलिड होंगे, कितने 80%। तो बताइए, आप यहां से निकालना चाहेंगे, टोटल हमारे पास वोट ये थे, लेकिन आपको निकालना है कैसे, आपको निकालना है यहां से वैलिड निकालना है, यानी कि जो वैध है उनको निकालना है। तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे इसमें से 7500 में से आप क्या करेंगे, 20% ना निकाल कर इसका 80% निकाल दीजिए, क्योंकि 80% तो वोटिंग हुई है ना, 20% तो खराब हो गए, 80% वैलिड होंगे। तो ये टोटल वैलिड वोट हमारे पास आ जाएंगे, जीरो से आप जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 8 5 40 8 7 56 460, कितना यार, यानी कि 7500 की तो वोटिंग हुई थी, 7500 में से 6000 केवल ऐसे वोट थे जो वैलिड थे। आपसे पूछा गया अनवैलिड वोट कितने थे, तो आप क्या करेंगे 7500 में से सीधे घटा देंगे, तो 1500 पता चल जाएगा कि क्या हो गए थे, अनवैलिड हो गए थे। यानी कि वैलिड वोट कुल कितने आ गए, तो आप कहेंगे 6000 आ गए। अच्छा, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिलता है, यानी कि एक उम्मीदवार को, एक कैंडिडेट को 55% मिलता है, क्योंकि हमेशा वोटिंग किस पे होती है, तो आप कहेंगे 100% पर होती है। एक व्यक्ति को 55% मिले, तो बताइए दूसरे व्यक्ति को क्या मिले होंगे, तो आप कहेंगे 45%। भाई 100% वोटिंग होती है, एक व्यक्ति को जब आपने 55% दे दिया तो दूसरे व्यक्ति को कितने दिए होंगे, 45, तभी तो इन दोनों का 100 आएगा। ठीक है, अब बताइए, टोटल वोट हमारे पास पता चल गए, वैलिड वोट हमें पहले व्यक्ति के बारे में पता है, दूसरे व्यक्ति के बारे में पता है। अब दोनों का हम वोट निकाल सकते हैं, पहले व्यक्ति को 55% वोट मिले, जीत गया, हारने वाले का भी हम बता सकते हैं कितने वोट मिले होंगे। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कुल वैध मतों का बताना है, दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, दूसरे का मतलब जो व्यक्ति हार गया, और जो हार गया उसका परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे 45 है, कितना है 45। तो इसकी वैल्यू आप निकालना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे 6000 का 45% निकाल देंगे, 6000 का 45%, दो जीरो से आप दो जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो बना रहेगा, 56 30 और 6 को 24 24 3 27, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2700 आ गया, क्या आ गया 2700, यानी कि दूसरे व्यक्ति को कितने वोट मिले होंगे, आप कहेंगे 2700। यदि हम आपसे पूछ ले बताइए कि पहले व्यक्ति को कितने वोट मिले होंगे, तो आप 6000 में से 2700 घटा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप क्या करेंगे 6000 का निकाल देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6000 का 55% निकालेंगे तो भी आ जाएगा, या सीधे अब इसमें कर दीजिए, इसमें घटा दीजिए। जब इसमें आप घटा देंगे तो बताइए दो जीरो तुम्हारे पास ऐसे बने रहेंगे, 10 में 7 घटा देंगे 3 बचेगा हमारे पास, 5 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा
तीन बचेगा। और बताइए जब आप 33 27 को जोड़ेंगे क्या 6000 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या रहा, इसका आंसर रहा। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो ये हमारा रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। और बहुत ही आसानी से मैंने आपको एक एक चीजें क्लियर कर दी कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और भी इसमें क्वेश्चन देख लेंगे। इसका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। ठीक है, इसके बाद में बोला गया है इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। इसमें से 68 क्या हुए, अवैध कर दिए गए। इसके बाद में जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए 52% उसे मिल जाते हैं। ठीक है, तथा वह 98 मतों से जीता। आपको बताना क्या है, कुल कितने मत पड़े ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये हमारा तीसरा क्वेश्चन, यानी कि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक चेंज किया जा रहा है। तो इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करा जाएंगे। किसी भी क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से थोड़ा टाइम लेकर जरूर बता रहे हैं ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 68 तो खराब हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मिले, तो आपको बताना है, और साथ ही साथ 98 मतों से वो जीत जाता है, कुल वोट कितने पड़े ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये समझेंगे कि वोटिंग हमेशा 100% की होती है। आप कहेंगे बिल्कुल, एक उम्मीदवार को 52% मिले ये भी आपको समझ आया, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे बताइए, टोटल 60 करना होता है, तो क्या इसे 48% मिले होंगे क्या, 100 में से एक को मिले 52 तो दूसरे को 48 जरूर मिले होंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये बोला गया है कि 68 तो अवैध हो गए तो इनको भी छोड़ देते, इनकी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अगर टोटल वैल्यू दे रखी होती तो 68 घटा देते, लेकिन आपसे तो टोटल वैल्यू पूछी गई है तो भी 68 का कोई काम नहीं है। इसके बाद में बोला गया कि एक को 52% मिले और वो 98 से जीत जाता है, 52% वोट मिलते हैं, वो जीतता कितने से, तो आप कहेंगे 98 वोटों से जीतता है, परसेंटेज में कितने से जीतेगा, तो आप कहेंगे 4% से जीतेगा, 48 × 52 होता है ना, ये 4% किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 98 के बराबर होगा, परसेंटेज में 4 से जीत रहा है, वोटों में 58 से जीत रहा है, क्या इन दोनों को बराबर करेंगे, बिल्कुल बराबर करेंगे। तो यहाँ से आप क्या करें, कुल हमसे पूछा गया कि कुल बताइए कितने वोट पड़े, तो कुल हमेशा 100% होता है, बताइए इसे 100% बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौको 100 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप किसका मल्टीप्लाई कीजिए, 25 का मल्टीप्लाई कीजिए, 25 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर देखो क्या आ जाएगा,
25 इकट्ठे जानते हैं, 200 होता है, 200 की जीरो लिखेंगे, हासिल हमारे पास 20 हो जाएगा। 25 नवैया 225, 225 में जब 20 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 245। 225 में 220 तो 20 जोड़ देंगे 245 हो जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति टोटल वोट कितने पड़े, तो कहेंगे ये हमारे पास 2450 मत पड़े, लेकिन ऑप्शन में जरूर दिया होगा 2450, आप बिल्कुल करेंगे और आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें एक चीज़ को आपको और समझना है, आपसे पूछा क्या गया, कुल कितने मत पड़े, आपसे ये नहीं बोला गया कि अवैध या वैध। कुल का मतलब होता है कि अवैध मतों को भी जोड़ा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि कुल वैध मत कितने, तो आप बोलते 2450, बिल्कुल सही हो जाता। क्योंकि ये क्या है, वैध, यानी कि जो काउंटिंग होती है, हर जीत हमेशा वैध पर होती है, वैलिड पर होती है, क्योंकि इनवैलिड को तो हम अलग कर देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता वैलिड कितने दे, आप कहेंगे 2450, लेकिन आपसे पूछा गया कुल कितने मत पड़े, कुल कितने का मतलब व्यक्ति ने डाला, भले उसका खराब हो गया वो बात की बात है, लेकिन उसने डाला तो उसकी काउंट तो की जाएगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसका मतलब 2450 में से आपको 68 जोड़ना पड़ेगा, 68 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो कुल हमारे पास मत कितने आ जाएंगे, तो आप कहेंगे 2450 में से आपको क्या जोड़ देना है, 68 और जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, 6, 5, 11, 4, 1, 5, 2558 इज द राइट आंसर। 2518 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, 68 क्यों जोड़ा। यदि इसी क्वेश्चन में यहां पर एक चीज हम लगा देते कि कुल वैध मत कितने पड़े, कुल वैध, तो आप कहेंगे 2450। अगर पूछा जाए कुल मत कितने पड़े, तो आपको बताना पड़ेगा 2518 बताना पड़ेगा, ठीक है, 2518 आपको बताना पड़ेगा। बताइए क्या ये चीज आपको समझ आ गई, क्या क्या इस चीज में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि मैंने 68 जोड़ा तो क्यों जोड़ा, ठीक है। चलिए अब देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों 55% मिला। यानी कि जो भी वैध थे उसका 55% इससे क्या होता है, मिल जाता है। इसके बाद में क्या हुआ, यदि कुल मत 15,200, यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हो तथा 15% अवैध घोषित कर दिए गए, इनवैलिड कर दिए गए, ठीक है, कर दिए गए, यानी कि 15% तो अवैध घोषित कर दिए गए, तो आपको बताना है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। तो ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन है। क्या हुआ कि दो कैंडिडेट थे, उनके बीच में चुनाव लड़ा जाता है,
एक व्यक्ति को 55% वोट मिलते हैं और कुल वोटों की संख्या 15,200 है, जिसमें से 15% अवैध घोषित कर दिए जाते हैं, तो आपको बताना है जो दूसरा व्यक्ति था उससे कितने वोट मिले। तो देखिए, सबसे पहले आप कहेंगे टोटल वोट कितने थे, 15,200। लेकिन 15,200 में 15% तो खराब हो गए, 15% क्या हो गए, खराब हो गए। अब बताइए 15% जब अवैध हो गए तो वैध कितने हो गए, तो आप कहेंगे 100 में से 100% होता है, 100% में जब 15% खराब हो गए तो कितने बचेंगे, 85%। यानी कि आप इसका यदि 85% निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कुल वैध मत हो जाएंगे, कुल वैध मत हो जाएंगे। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या, वैध मत हो जाएंगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और 15 का करेंगे 75 75 176 मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 8 2 16 15 120 और 120 में जोड़ेंगे तो 121। जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 0 6 6 12 और 7 1 8 1 9 2 1। तो कुल मिलाकर हमारे पास 12,920 ऐसे मत होंगे जो क्या होंगे, वैध होंगे। तो आप कहेंगे 12,920 वैध मत होंगे। आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि बताइए दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, तो आप ये जानते हैं, अच्छी प्रकार से जानते हैं आप कि 100% वोटिंग होती है, 100% वोटिंग होती है, एक व्यक्ति को मिले 55% तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे 45%। एक को 55% तो दूसरे को 45%, ठीक है, तो 55% मिले से, यानी कि टोटल वैध मतों को इसे मिले 55%। तो आपसे पूछा किसके बारे में गया है, दूसरे व्यक्ति के बारे में, यानी कि दूसरे व्यक्ति को कितने परसेंट मिले होंगे, आप कहेंगे 45, यानी कि इसका 45% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस व्यक्ति का निकालना है तो इस व्यक्ति का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 12,920 का कितना निकालेंगे, 45%, और आपका आंसर आ जाएगा। 0 से आप 0 काट देंगे, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काट देंगे 2 बार, 2 सी से काट देते हैं तो 6 बार, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्का 54 की 4 कैरी हमारे पास 5, 9 चौको 36, 36 5 39 कैरी 3, 9 छक्का 54 3 57 57, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5794 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5794 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, हमारे पास टोटल कितने वोट थे, तो आप कहेंगे 15,200 थे, 15,200, 15% अवैध हो गए, कितने बचेंगे, 85% बचेंगे, 85 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10 और 75 176 हो जाएगा, 8 का करेंगे 8 2 16, 8 5 40, 40 1 41, 8 1 8 4 12 जोड़ेंगे 0 6 6 12, 7 1 8 1 9 और यहाँ पर इतना आ गया, इससे 55% मिले, ठीक है, इससे 55% मिले, इससे कितने परसेंट मिले होंगे, तो आप कहेंगे 45%। तो 12,920 का 45% निकालेंगे, तो बताइए 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 9 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 सी से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 और 2 छक्का 12, ठीक है, तो इतना आगे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्का 54 करेंगे, कैरी हमारे पास 5, 9 चौको 36, 36 5 क्या होता है 41, 36 5 क्या होता है 41, मल्टीप्लाई यहाँ पर गलत हुआ है, तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छक्का 54 की 4 कैरी हमारे पास 5, 9 चौको 36, 36 5 होता है 41, कैरी हमारे पास 4, 9 छक्का 54 4 58, 54 4 58, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 5,814, ये दूसरे व्यक्ति को। अगर आपसे पूछ लिया जाता पहले व्यक्ति को कितने मिले, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे, दूसरे को मिल जाएगा, डायरेक्ट निकालते तो इसका 55% निकालते तो भी आपका आंसर आ जाता। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मुझे लगता है कि आपको चुनाव संबंधित क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाई है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इलेक्शन संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। बस इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आसानी से उन क्वेश्चनों को बता सकते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, चलो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इसके बारे में समझेंगे, क्वेश्चन को पहले लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है गेहूं के मूल्य में क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, गेहूं
के मूल्य में गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले 10 किलोग्राम 600 रुपये में पहले 10 किलोग्राम 600 रुपये में पहले 10 किलोग्राम पहले 10 किलोग्राम ठीक है 10 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद में बोला गया है कि भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है आपको बताना है गेहूं का भाव कितना है। ठीक है तो देखिए यहाँ से इसी क्वेश्चन से आपसे दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें आपसे पूछा जाएगा कि नया रेट क्या होगा, जैसा कि इसमें पूछा गया है। इसके बाद में आप भाव बताएं, इसका मतलब नया रेट पूछा गया। आपसे इसके पहले का रेट भी पूछा जा सकता है, यानी कि इसी क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और बच्चों याद रखेंगे इसे हम देंगे 3 स्टार देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले का भाव पूछ सकता है, बाद का भाव पूछ सकता है, यानी कि बाद का मतलब क्या वर्तमान का पूछ सकता है, पहले का भी पूछ सकता है। आपको दो निकालने होंगे। यदि आपसे पूछा जाए नया मूल्य बताइए, नया मूल्य जो कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, हम नया मूल्य पहले निकाल लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक ट्रिक याद रखना है, क्योंकि बेसिक से इसको नहीं करने वाले, आपको ट्रिक याद रखना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज। क्या लिखेंगे, परसेंटेज, जो भी परसेंटेज दिया जाएगा परसेंटेज लिखेंगे। मल्टीप्लाई यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे जो भी रुपए दिए जाएंगे। ये अभी याद हो जाएगा, सबसे पहले आप परसेंटेज लिखेंगे, मल्टीप्लाई रुपए लिखेंगे। नीचे आप क्या लिखने वाले, नीचे आप लिखेंगे 100, मल्टीप्लाई आप वस्तु लिखेंगे। ये चीज समझ आ गई क्या, या कीमत लिखेंगे। ठीक है तो इतना यदि आपको याद हो गया तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये नया मूल्य हो गया। अगर यहीं पर हम पूछ लेते हैं आपसे पुराना मूल्य बताइए, पुराना मूल्य, एक ही क्वेश्चन में हम दोनों चीज सीख लेंगे। पुराना मूल्य तो सेम करना है, परसेंटेज मल्टीप्लाई रुपया कर देना है, बटे आपको क्या करना है, बटे आपको करना है वस्तु प्लस माइनस वस्तु इसके बाद में इंटू, ठीक है। और यहां पर क्या लिखेंगे, 100 प्लस माइनस x। ये चीज आपको समझनी है, 100 प्लस माइनस x क्या होता है, अभी हम सिखाएंगे आपको। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, नया मूल्य चूंकि इसमें पूछा गया तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। परसेंटेज क्या है, 20% आप कहेंगे। रुपए कितने दे रखे हैं, 600 दे रखे हैं। बटे क्या लिखेंगे, 100 इंटू वस्तु क्या थी, गेहूं कितने किलोग्राम था, तो आप कहेंगे 10 किलोग्राम। इसे सोल्व करेंगे तो 3 जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, आंसर अपना आ जाएगा 6 दूनी 12 आंसर अपना आ जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार समझेंगे, नया मूल्य पूछा जाएगा, परसेंटेज मल्टीप्लाई रुपया बटे 100 मल्टीप्लाई जो हमारे पास वस्तु का भार दे रखा है। अगर इसमें इसकी बात करते तो हम लिखते 20 मल्टीप्लाई 600, फिर क्या लिखते आप, वस्तु हमारे पास जो दे रखी है 10 किलोग्राम 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस, आप यहां पर याद रखेंगे कमी हो रही तो माइनस लेंगे और वृद्धि हो रही तो प्लस लेंगे, क्योंकि इसमें कमी हो रही तो आप क्या करेंगे 100 यहां पर क्या लिखेंगे 100 और माइनस 20 कर देंगे। इस चीज को आपको समझना है, जब 100 में से 20 घटा देंगे क्या हम इसमें 80 डायरेक्ट लिख दें, तो आप कहेंगे बिल्कुल 80 लिख देंगे। इसे सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे,
बच्ची का हमारे पास चार से काटेंगे दो बार, चार से काटेंगे पांच बार, दो से काटेंगे कितनी बार, तीन बार, तीन पच पंद्रह। तो पहले मूल कितना था, पहले मूल था पंद्रह, आज कितना हो गया बारह, क्योंकि कमी हो गई, कमी हो गई इसलिए हमारे पास क्या हो गया, बारह हो गया। वृद्धि होती तो पंद्रह से ज्यादा होता। आई होप ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, इसके बाद में आज की क्लास यहीं पर हम क्या करेंगे, एंड करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। जब ये कहा जाए कि गेहूं के मूल में पहले किसी में मूल में वृद्धि की गई, अब कितना क्या किया जाए, कितने साल बाद इतना हो जाए, लेकिन इसमें वस्तु दे रखी होगी, क्योंकि आपको एक मैंने तरीका और भी बताया था, उसमें परसेंटेज परसेंटेज दो दे रखे थे, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको अलग रखना, ये हमारे पास इस प्रकार से देखा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आप परसेंटेज लिखेंगे, मल्टीप्लाई वस्तु की कीमत लिखेंगे, कितने रुपए में, सौ रुपए में, दो सौ रुपए में, पूरे के बट्टे लिखेंगे, सौ मल्टीप्लाई वस्तु का भार लिखेंगे, दो किलो, दस किलो, पंद्रह किलो, बीस किलो, नया मूल निकल आएगा। पुराना निकालना हो तो आप कहेंगे परसेंटेज इंटू रुपये ऊपर लिखना है, नीचे लिखेंगे हम क्या, वस्तु की भार लिखेंगे, मल्टीप्लाई सौ प्लस माइनस एक्स, यानी वृद्धि हो रही तो प्लस सौ में जोड़ देंगे और कमी हो रही तो सौ में घटा देंगे। तो ये अपना फाइनली आंसर आ जाएगा। आई होप आज की क्लास आपको समझ आई होगी और ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ में, और उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आप समझ आई हैं तो आप क्लास को लाइक जरूर करें, ठीक है। जय हिंद, ओके, बाय बाय।